Good morning, students. I am Harsha Saini from Smita Prabhu School. So, maths में chapter 3, playing with numbers पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक exercise 3.4 तक पूरा complete कर लिया है. इस तरह से prime composite number क्या होते हैं, factors multiple क्या होते हैं, divisibility test पढ़े थे अपने, और अपन ने common factor और common multiple भी पढ़ा है. और इसमें उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी अपने इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन और इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं से रिलेटेड है. तो देखो, सबसे पहले है आपका फर्स्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन कौन सा ट्रू है. तो देखो, नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. क्या हो रहा है ट्रू फॉल्स का फर्स्ट, कि अगर एक नंबर 3 से डिविजिबल है तो क्या वो 9 से भी होगा, भी होगा. ऐसा तो कंपल्सरी है क्या नहीं, क्योंकि 3 × 1 = 3, खुद भी नाइन के टेबल में 3 नहीं आता है. मतलब कि अगर नंबर 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 से भी डिविजिबल होता है, तो क्या 3 9 से डिविजिबल होता है क्या, 9 के टेबल में 3 आता है क्या, नहीं आता. 3 × 2 = 6, क्या 6 आता है 9 के टेबल में, नहीं आता. मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स. देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. क्यों, तो उसका एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं कि 6 is divisible by 3, 6 is 3 का नहीं लिखते, पर 6 का लिख देते हैं ना, 6 is divisible by 3 बट नॉट विथ 9 के. 6 3 से पूरा डिविजिबल होता है, मेरा जीरो बचता है, बट 9 को 6 से डिविजिबल करने पे कुछ आएगा नहीं, क्योंकि 6 9 से छोटा है. इसी तरह देखो सेकंड, कि अगर नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा. तो यस, ये तो ट्रू है, ये तो क्या है, ट्रू. ट्रू क्यों है देखो, क्योंकि 9 खुद भी तो 3 की टेबल में आता है, 9 इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 3, 9 इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 9 खुद ही 3 से टेबल में आता है, तो 9 के टेबल में जितने भी नंबर होंगे वो सब 3 की टेबल में भी आएंगे. आएगी देखो, 9 × 2 = 18, 18 3 की टेबल में आता है, 9 × 3 = 27, 27 3 की टेबल में आता है, 9 × 4 = 36, 36 भी 3 की टेबल में आता है. तो इस तरह से अपन ये सारे कर सकते हैं. लेकिन जरूरी नहीं कि जो 3 की टेबल में आ रहा है वो 9 की टेबल में आए, लेकिन जो 9 की टेबल में आ रहा है वो 3 की टेबल में जरूर आए. नंबर इज डिविजिबल बाय 18, इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 6, कि अगर नंबर 18 से डिविजिबल है तो वो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल होगा क्या. देखो, 18 3 की टेबल में भी आता है, 18 6 की टेबल में भी आता है, 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36 भी आता है, लेकिन 18 × 2 = 36 हो जाता है, 3 × 10 = 30, 6 × 5 = 30, 30 तो 18 की टेबल में आता ही नहीं है. मतलब कि एक तो ये भी क्या हो गया है, फॉल्स. ये स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, फॉल्स. फॉल्स भी हो गया कि जो 30 है, 30 क्या होता है, दोनों से डिविजिबल होता है, 30 is divisible by 3 and 6 both, but not divisible by 18. ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये थर्ड एज कंप्लीट किया मैंने, ये अपना क्वेश्चन है. चलो अब आएगा फोर्थ. फोर्थ क्या बोल रहा है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90. अगर एक नंबर 9 की टेबल में भी आ रहा है, 10 की टेबल में भी आ रहा है, तो क्या वो 90 से डिविजिबल होगा ही होगा, बिल्कुल होगा. क्या हो जाएगा, ट्रू. क्यों, क्योंकि देखो 90 क्या होता है, 9 × 10 = 90, मतलब वो नंबर 9 की टेबल में भी आ रहा है और वो नंबर 10 की टेबल में भी आ रहा है, क्योंकि 9 × 10 = 90 होते हैं, इसलिए वो 9 और 10 से टेबल में आता है तो वो 90 की टेबल में भी आएगा. ठीक है, ऐसे देख लो, 9 लेस होता है 9 × 2 = 18, 18 के पीछे 0 लग गया है, तो 9 की टेबल पीछे 0 लग रहा है, मतलब 10 के पीछे 1 0 लग रहा है, वैसे भी दिख ही रहा है. टू नंबर्स आर को प्राइम, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, कि अगर वन नंबर को प्राइम है तो क्या
दोनों में से एटलीस्ट एक नंबर फाइन होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। जैसे 3 और 4 दोनों के बीच में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। लेकिन 4 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। इस तरह पर और भी कोई एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे ये हो जाएगा फॉक्स। देखो आपके ABCDE है, तो अपन वही नाम दे देते हैं यहाँ पे। ABCDE क्यों क्यों नहीं होंगे? बिकॉज जैसे 7 और 8, 7 और 8 आर कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। बट 8 इज नॉट प्राइम नंबर, या जैसे बोले ना कि दोनों प्राइम नंबर, दोनों में एटलीस्ट एक, तो 9 और 8 ले लो। तो देखो 9 और 8 कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि दोनों में कुछ भी सेम नहीं है। लेकिन दोनों ही प्राइम नंबर नहीं, लेकिन दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, बट वो आर नॉट। तो क्या लिख देंगे? आर को प्राइम, बट 8 में बहुत आर को प्राइम एंड बोथ ऑफ देम आर नॉट प्राइम, दोनों के दोनों ही प्राइम नंबर्स नहीं है। प्राइम नंबर नहीं है तो कौन से होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। All number which are divisible by 4 must be divisible by 8. कि अगर 4 से divisible है तो 8 से भी होंगे क्या? नहीं। जैसे 36 4 से होता है, नहीं होता। 10 4 की टेबल में आता है, 88 की टेबल में नहीं आता है। 28 4 की टेबल में आता है, लेकिन 8 की टेबल में नहीं आता। तो ये क्या हो जाएगा? False। सबसे छोटा नंबर लिख लेते हैं कि 12, जैसे कि 12। False। क्यों? क्योंकि 12 इज डिविजिबल बाय 4, बट नॉट विथ, बट नॉट डिविजिबल बाय जी। देखो क्या बोल रहा है, ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। जितने भी नंबर 8 की टेबल में आते हैं वो सारे के सारे 4 की टेबल में आएंगे। ये बिल्कुल ट्रू है। ये क्या हो जाएगा? ट्रू, की जो भी नंबर 8 की टेबल में आ रहा है वो सब उसकी टेबल में आएगा। क्यों? क्योंकि 8 को अपन क्या लिख सकते हैं? 4 2 8, मतलब 8 को अपन 4 के फैक्टर में लिखते हैं ना, कि 4 क्या 8 का फैक्टर होता है। इसलिए जो भी नंबर 8 की टेबल में आएगा वो सब 4 से भी डिविजिबल होगा। जैसे 8 16 8 32 8 4 32 8 5 40 8 6 40 8 7 56 8 8 64 8 9 70 18 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
देखो नंबर एक्सैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, इट मस्ट एक्सैक्टली डिवाइड देयर सम, कि अगर नंबर है दो नंबर से अलग अलग डिविजिबल होता है, क्या बोल रहा है, डिवाइड टू नंबर सेपरेटली, अलग अलग नंबर से डिवाइड होता है तो क्या वो एक्जैक्टली उनके सम से भी डिविजिबल होगा? ये देखो टू इज छोटे नंबर से लेते हैं डिविजिबल बाय फोर, अब इवन नंबर से होता है सिक्स, बोथ टू फोर और सिक्स दोनों से डिविजिबल होता है और इन दोनों का सम हो रहा है तो फोर प्लस सिक्स कितना होता है एट है विद एन टेन इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू और टेन भी टू के टेबल में आता है। यस अब देखो नेक्स्ट लास्ट बचा है टू नंबर एक्जेक्टली डिवाइड सम ऑफ टू नंबर, इट मस्ट बी डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली, बिल्कुल होगा क्या? सम ऑफ इफ अ नंबर एक्जेक्टली सम ऑफ टू नंबर, अच्छा इसका उल्टा है नहीं है कि अगर किसी नंबर के सम को डिवाइड करता है तो जरूरी है कि वो उसके अलग अलग नंबर को भी डिवाइड करेगा, ऐसा तो जरूरी भी नहीं है। जैसे
टू फॉल्स हो जाएगा, इसका उल्टा फॉल्स हो जाएगा। देखो अगर पहले अलग अलग डिवाइड कर रहा है फिर सम पूछा है तो ये हो जाएगा, लेकिन बोला पहले सम, तो देखो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि जैसे टू डिवाइड्स होगा, यहाँ पे डिविजिबल नहीं होगा, टू डिवाइड्स होगा क्योंकि टू फोर इनसे डिविजिबल थोड़ा होता है, टू पर डिवाइड करता है तो टू डिवाइड्स। जैसे मैंने लिखा कि फोर इज डिविजिबल बाय टू, और फोर का सम अपन लिख सकते हैं वन प्लस थ्री, तो क्या वन प्लस वन टू और वन थ्री और वन दोनों से डिविजिबल होता है क्या? टू नहीं होता, वन प्लस थ्री नहीं होता, टू इज यहाँ पे लिखेंगे वन एंड थ्री आर नॉट डिविजिबल बाय टू, वन एंड थ्री आर नॉट डिविजिबल बाय टू। फोर का सब अब आप में टू प्लस टू भी लिख सकते हैं, टू प्लस टू भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर हर कंडीशन में से थोड़ी लिख सकते हैं, से और भी लिख तो सकते हैं। अब अपन को क्या पता है कि वो सम कौन से सम की बात कर रहा है, वो वन प्लस थ्री कह रहा है या टू प्लस टू कह रहा है या जीरो प्लस फोर कह रहा है, वो अपन को पता नहीं है, इसलिए अपन उसको ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर थ्री, फैक्टर थ्री क्या होता है, मतलब सिक्सटी के दो फैक्टर, सिक्स की टेबल, सिक्स की टेबल में भी सिक्सटी आता है, टेन की टेबल में भी सिक्सटी आता है। अब सिक्स देखो किस तरह से लिखा है यहाँ पे सिक्स को, कि अब सिक्स है तो या तो आपको सिक्स चाहिए तो कैसे होगा, टू को टू की टेबल में सिक्स कितनी बार आता है, टू की टेबल में सिक्स थ्री बार आता है, फाइव की टेबल में टेन कितनी बार आता है, टू बार, तो थ्री टू जा सिक्स, फाइव टू जा टेन, सिक्स टेन जा सिक्सटी। इसी तरह देखो सिक्सटी की टेबल, थर्टी की टेबल में सिक्सटी कितनी बार आएगा, टू बार आएगा, क्योंकि थ्री टू जा सिक्स जीरो का जीरो, टेन थ्री जा थर्टी। अब टेन को क्या लिख सकते हैं, टू फाइव जा टेन, क्या लिख सकते हैं, टू फाइव जार टेन, ये लिख सकते हैं ना, टू फाइव जार टेन। देखो दो अलग अलग क्रिया अपन को गिवन हो गए, दो अलग अलग क्रिया हो गई, सिक्सटी के अपन दो इस तरह अलग अलग और भी बना सकते हैं, फिफ्टीन टू जार थर्टी, फोर की का भी बना सकते हैं, अपन कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर, ही क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि ऐसे कौन से दो फैक्टर है जो कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अपन इंक्लूड नहीं करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, सबसे पहले तो कि किसी भी नंबर को इस तरह से लिखना कि उसके फैक्टर्स में सिर्फ प्राइम नंबर आए, क्या है इसके फैक्टर में सिर्फ प्राइम नंबर आए, तो अपन प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि वो ही प्राइम फैक्टराइजेशन है, मतलब उसके जब फैक्टर्स में सिर्फ प्राइम नंबर ही आना, तो ये मतलब जैसे टू थ्री फाइव इसी तरह से अपन उसको लिखते हैं, इस टाइप को अपन कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो इसमें तो ये नंबर खुद इंक्लूड अपन नहीं कर रहे हैं और नंबर वन अपन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर देखो टू तो मैंने वही कर लिया है, क्वेश्चन नंबर थ्री कौन सा, वन एंड नंबर इटसेल्फ आर नॉट इंक्लूडेड इन, अब प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों को इंक्लूड क्यों नहीं करते, आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अभी आप इतना याद रख लो, फिर जब अपन सीखेंगे, जब अपन सीखेंगे तो फिर मैं आपको, जब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अपन इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया है, ठीक है बेटा। देखो तो आज अपन इतना ही करेंगे अपने वीडियो में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर से, ये अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर उसमें सीखेंगे कि किस तरह से फोर क्या हो रहा है, लेटेस्ट फोर डिजिट नंबर लिखना है और उसको उसके प्राइम फैक्टर्स लिखने, इसी तरह फाइव डिजिट और ये सब अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके बाय।
Bye. Stay warm, stay safe.